तो मेरी जान, तुम्हारा भाई निजाम ठीक है ना पहुंच चुका है भोपाल, ठीक है। और भोपाल में मैं अभी इस वक्त हूँ सांची के स्तूप, मतलब जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है एक उत्सव चल रहा है, आई डोंट नो कौन सा उत्सव है, शायद बुद्धा उत्सव चल रहा है यहाँ पे 25 से 26 के बीच में, ठीक है 25-26 दोनों भी शाम को है। बहुत बड़ा मतलब फंक्शन होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। और मैं तो यहाँ का रास्ता दिखा दूँ, जैसे तुम्हें पता है कि भोपाल जो है ना एक पठारी इलाका है और यहाँ के अधिकतर क्षेत्र जो है वो पठार पर बसे हुए हैं, जैसे कि हमारा हिमाचल पहाड़ पर बसा हुआ है, ऐसे ये पठार पर बसा हुआ है। अब तुमको पहाड़ और पठार में क्या अंतर है, तो भाई यहाँ पर सिंपल सा अंतर है कि पहाड़ जो होते हैं ना वो खड़े होते हैं, ठीक है, पर पठार जो होते हैं ऊपर से समतल होते हैं जहाँ पर आप बस सकते हो। तो वही एरिया है, मैं आपको यहाँ का एरिया दिखा दूँ, काफ़ी वाइड है। ठीक है, और ये जो है ऊपर की तरफ चढ़ाई है, ठीक है। तो गुरु ये अंतर है पठार और पहाड़ में, फिलहाल ऊपर के चलते हैं, ठीक है। और जिसको हम किताबों में पढ़ते हुए थे, समझते हुए थे, हाँ उसको हम सामने से लाइव देखेंगे, ठीक है। फटाफट चलते हैं ऊपर की ओर, भागो। और ये है ऊपर जाने का रास्ता, ठीक है। सर बगल में झील थी, वो झील सूख चुकी है इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ। और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता ऊपर जाने का, जो बगल में रास्ता था बहुत लंबा था, और ये हम ऊपर पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। और ये सामने जो है हमारे मंदिर है, जो कि 12 बजे बंद हो जाता है, अभी उत्सव है तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पर जो है नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भीड़। और ये एंट्री गेट है, हमें यहीं से जो है एंट्री लेके अंदर की ओर जाना है। तो चलिए फटाफट सिक्योरिटी गार्ड अंदर दिखाते हैं, एंट्री लेते हैं और अंदर एंट्री करते हैं। हाँ, उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो यहाँ की टिकट है वो आपको 40 रुपये की है ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन बुक करते हो तो 35 की हो जाएगी, ठीक है ना, एंट्री टिकट। वहीं फॉरनर्स के लिए जो एंट्री टिकट है ऑफलाइन वो 600 रुपये की है, और अगर ऑनलाइन अगर आप बुक करते हो तो आपको 550 रुपये की पड़ेगी। तो एंट्री लेते वक्त टिकट आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है, उसके बाद आप यहाँ से एंट्री लेते हो। एंट्री लेते ही आपके सामने जो है इस प्रांगण का मैप दिख जाता है, ठीक है। इसमें आपको हर एक प्रतिमा की स्थिति बताई गई है, कौन सी प्रतिमा कितने नंबर पर कहाँ पर स्थित है। तो आप इस मैप के जरिए जो है पूरा प्रांगण आराम से घूम सकते हो। सांची का स्तूप भारत के वास्तु गरिमा के एक समृद्ध विरासत का प्रतीक एवं देश के सबसे संरक्षित स्तूपों में से एक है। सांची स्तूप लगभग 91 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, जो उस समय उत्कृष्ट बौद्ध कला और शिक्षा का केंद्र रहा होगा। मौर्य काल में विदिशा एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र रहा होगा एवं उसके निकट का यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुकूल था। इस कारण कलिंग के भीषण नरसंहार के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिए और सर्वप्रथम सांची में बौद्ध को समर्पित यह स्तूप का निर्माण कराया। सांची स्तूप को 1818 में जनरल टेलर ने खोजा था। सन 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे उत्खनन का कार्य शुरू किया। बाद में सन 1912 से लेकर 1919 के मध्य सर जॉन मार्शल ने इसके उत्खनन एवं पुनर्निर्माण का कार्य, वास्तव में सांची को उसके वर्तमान रूप में लाने का श्रेय सर जॉन मार्शल को किया जाता है। सांची के स्तूप में सबसे भव्य स्तूप क्रमांक 1 है, जो अशोक सम्राट द्वारा निर्मित एवं उसका आकार उल्टी कटोरा के समान है, जिसके शिखर पर 3 छत्र लगे हैं। बाद में इसके चारों ओर रेलिंग का निर्माण शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने किया एवं इसके 4 अद्भुत अलंकृत द्वार का निर्माण 7 वाहनों ने करवाया, जिसके वास्तुकला आपकी आंखों को चौंका देंगे। इसके अंदर बुद्ध के अवशेषों को भी रखा गया है, साथ ही इसके चारों ओर पत्थर लगाए गए हैं। ये पत्थर राजाओं द्वारा या अन्य व्यापारियों द्वारा दान में दिए गए पत्थर हैं, जिनके हर पत्थर पर, हर शिलालेख पर जो है उनके नाम अलंकृत है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है दानम। दानम का तात्पर्य होता है जिसने दान किया हो, ये आपको हर एक पत्थर पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से जो एंट्री है वो बंद है, और इसको बंद करने का सीधा से तात्पर्य यही है कि हम लोग भी जो है अपनी पुरानी सभ्यताओं के इतिहास को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। जैसे कि इस मूर्ति को देखिए, ये किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रखी है इस समय पे। 4 गेट और 4 तुरंत यहाँ पर है।
और ये है यहाँ का मॉनेस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे जो है बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए भिक्षु लोग यहाँ पर आते थे। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे कमरे टाइप में बने हुए हैं ऊपर से, और इनके ऊपर जो है लकड़ी की छत हुआ करती थी। ठीक है, उसके अलावा ये सामने जो है आपको दिख जाएगा, मतलब कि ये जो था ग्राउंड यानी क्लासरूम की तरह था, जैसे आज के ज़माने के हॉस्टल होते हैं ना, कमरे अलग होते हैं और क्लासरूम्स अलग होते हैं, तो वैसे ये जो बीच का प्रांगण था हॉल की तरह, ये यहाँ का क्लासरूम था। ठीक है, और बाकी के जो छोटे छोटे थे उनके कमरे थे रहने के, यहाँ बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे। ठीक है, और ये यहाँ से एग्जिट था उतर करके आने का, ये रास्ता था इस तरफ आने का। यहाँ पर बहुत भिक्षु थे, वो भिक्षा मतलब लेकर के इस बाउल में रखते थे, और उसके बाद जो है ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था अलग अलग मॉन्क भिक्षुओं में। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ग्रीक इस कल्चर से प्रेरित होकर के इस मंदिर को बनाया गया था। कहते हैं इसके ऊपर एक छत थी जो भीषण आग के कारण जल गई, वो आप देख सकते हो आग कालापन यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी है जो ग्रेट बाउल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, और ये देख सकते हो यहाँ बड़ी सी छत्ती जो जल गई थी भीषण आग के कारण। इस विशाल बौद्ध मनुमस्ती क्षेत्र को घूम करके मैं काफ़ी याद थक गया था, फिर मैं ही ग्रीक मंदिर के पास जो है बैठ करके जो है थोड़ा सा रेस्ट करने लगा। वहाँ कुछ बच्चे आ गए, ठीक है, उनसे बातचीत की और यहाँ के एरिया के बारे में जाना, उनकी लोकल लैंग्वेज को जानना और आसपास की चीज़ों को समझा। मंदिर 40 लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व दोयस मंडप का है। लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व यह दोयस मंडप था। कहते हैं इसका ऊपरी हिस्सा जल जाने के बाद ही दूसरी शताब्दी में इसका दूसरा हिस्सा बनवाया गया था। इसके अलावा यह स्थान कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होगा, जिसके अंदर मैं अभी जा रहा हूँ। मैं आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ। ये ज़्यादा बड़े कमरे नहीं थे, छोटे छोटे कमरे थे। ठीक है, और इनके ऊपर छतें थी, कईयों की छतें अब नहीं है। देखिए, एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा उपस्थित है, ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से पत्थरों से बना हुआ है यहाँ का हर एक कमरा, और छत जो है ढके हुए हैं। इस रूम का जो छत था वो पूर्ण रूप से ढका हुआ था, ठीक है, और पत्थर से बना हुआ था। तो इसे देख के मालूम पड़ता है कि इसकी मजबूती कितनी ज़्यादा रही होगी, और लोगों ने इसको तोड़ने में ना जाने कितनी ज़्यादा मशक्क़तें दिखाई होगी। इसके बाद मैं पहुँचता हूँ बुद्ध की प्रतिमा के पास। देख सकते हो आप, ये कितनी ही पुरानी बुद्ध की प्रतिमा रही होगी, जो कि शांत अवस्था में ध्यान मग्न बैठी हुई है। और इसके बाद जब मैं इस कमरे के अंदर गया तो देख रहा यहाँ की जो छत थी वो पूर्ण रूप से गायब थी। ठीक है, तो मतलब काफ़ी मशक्क़त किया गया यहाँ की छत को हटाने में। लोगों ने हमें इन संरक्षण करना चाहिए इन चीज़ों का, तो हम क्या है इन सब को ख़राब करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ठीक है, उसके अलावा जब मैं इसके दूसरे प्रांगणों में गया तो जो मैंने बताया था ना कि जो पहली सदी में जो जल करके राख हो गया था, उसके बाद जो दूसरा मंडप बनाया गया था, ये वही स्थान है। ठीक है ना, और इसका संरक्षण अभी भी जारी है। यहाँ की चीज़ों को जो है वैसे का वैसे रखा गया है, और यह है पहला स्तूप इसके जस्ट थोड़ी सी दूरी, मतलब सामने पर ही समझ लो कि दूसरा स्तूप जो है उपस्थित रखा गया है। और ये जो है ये रहा दूसरा स्तूप। मैं आया था हाथी के स्तूप के संग्रहालय में, अभी अभी एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ, मुझे सेल्फी स्टिक है वो दोनों जो है अलग हो चुकी है। अब सोच रहा हूँ इन पूरी वीडियोस को, इस पूरे एरिया को कैसे कवर करूँगा। फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से कवर करना है अपने को। देखो भाई, सब क्या मस्त चेयर बना रखी इन्होंने यार। अरे पत्थर का है या लकड़ी का है, मैं चेक करना चाहूँगा उसको। भाई ये पत्थर का मुझे लगा पूरा सब संग्रहालय, ठीक है, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या खासियत इसके अंदर है। दादू अभी हम गए थे उस तरफ म्यूजियम की तरफ, तो म्यूजियम में जो है फोटो वीडियोग्राफी करना क्या मना है, एंड वहाँ पर जो आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हमारी जान, तो अब हम पहुँच चुके हैं, ये है सर जॉन मार्शल का हाउस। ठीक है ना, इस हाउस में इसकी सारी चीज़ें रखी हुई है,
उनकी याद में जो है यह हाउस बनाया गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहीं पर से जो है उन्होंने सांची के स्तूप वगैरह की जो है खोज की थी। लास्ट में हम आ गए थे म्यूजियम में, जो कि पुरातात्विक संग्रहालय है, वो वहाँ गए थे हम लोग। लेकिन वहाँ पर क्या है, एंट्री मतलब एंट्री अलाउ है, सारी चीज़ वहाँ पर देखा रखी है। चौथी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक की चीज़ वहाँ पर संग्रहित की गई है, मतलब इकट्ठा की गई है, और वहाँ पर अच्छे से प्रिजर्व कर रखा गया है। कई सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है नष्ट हो चुकी है, और कई सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं जो अभी तक थोड़ी बहुत बची हुई है। वहाँ पे औजार, पत्थर, खाने वाने की चीज़ें, सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब प्रिजर्व करके रखी गई है। जितना भी हमारा पुरातत्व विभाग का सामान है, सारी चीज़ें वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि संग्रहालय सीधी सी बात है और इसमें सीधी बात है। तो अमित मेरा इस सर चार मास्टर का जो हाउस है ना, वो तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, बाहर से क्योंकि अंदर से जो कुंडी लगा हुआ है बंद है ये, तो शायद हमें अंदर एंट्री खाली गारंट्री मिलेगी नहीं। क्योंकि फिलहाल तुम ये देखो, ठीक है, ये देखो भाई साहब, और ये इसका हाउस है, लिखा हुआ है ना सर जॉन मार्शल स्मृति भवन। ठीक है, तो यहीं से जो रह करके उन्होंने जो है पूरे मतलब सांची के स्तूप की जो है खोज की थी। ओके, एंड अब चलते हैं आगे अन्य स्थानों की ओर। सूरज जो है डूबने के कगार पे आ चुका है। हमें लगी थी बहुत सारी भूख, तो हम आ गए समोसा खाने के लिए। और इतने में आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और कुछ बेकार अच्छा लगा हो तो नीचे कर दो कमेंट। ठीक है, जब तक हम समोसा खा रहे हैं, ठीक है, समोसा खा के हम लोग निकल पड़े भोपाल की ओर। भोपाल जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो बने रहिए, अलविदा। Bring the baddies to the front.